सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोजाना टाइम। सोशल मीडिया से एक वीडियो काफ़ी वायरल होंगी दिखाई दे रही है, जिथे एक प्रेमी जोड़े दे वालों एक वीडियो बना के जी शेयर की जा रही है, तो जिसन लैके उन्हों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी के नाल जिहड़ा विआह करवाया है, तो परंतु विआह होने तो बाद जिस तो बाद पिता दे वालों परेशान किया जा रहा है, तो प्रेमी जोड़े दे वालों सुरक्षा की मांग की जा रही है, तो उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी के नाल जिहड़ा विआह करवाया है, तो जिस तो बाद उसके पिता दे वालों उन्होंने तंग परेशान किया जा रहा है, तो जिसन लैके उन्होंने कहना है कि जेकर कालू साडे उत्ते कोई भी मुसीबत आउंदी है तां इस दे जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इस दे पिता होणगे, ते जिस नूं लै के उन्होंने वालों वीडियो दे विच साफ साफ ये गल कही जा रही है, तो जिस नूं लै के सांझी वीडियो की गई है, तो सोशल मीडिया से वीडियो काफ़ी वायरल होंदी दिखाई दे रही है। तो दस दिए कि एक पिता तो ही अपनी धी दे वालों जिहड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो अपनी मर्जी के विआह नूं लै के जिहड़ी वीडियो है पाई गई है, तो जिस नूं लै के सुरक्षा की भी मांग की जा रही है, वो देखते अगे पूरा मामला की है। मैं शिवानी और मैं मेरे ये है मेरे पति शिवेंद्र प्रताप सिंह। हम दोनों ने शादी कर ली है, हम दोनों राजी खुशी से एक दूसरे के साथ हमने शादी की है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन इस शादी को लेकर मेरे पिताजी ने मेरे पीछे, हम दोनों के पीछे बहुत सारे लोगों को भेज रखा हुआ है, जिससे हम दोनों की जान को खतरा है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को, मेरी हमीरपुर कप्तान से दरख्वास्त है कि हम दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये विवाह सिर्फ विवाह नहीं रह गया, इस विवाह को अब जातिवाद और राजनीति का मुद्दा बना लिया है। जो लोग मेरे पीछे, मेरे और मेरे परिवार के और मेरे पति के पीछे पड़े हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये मैंने और शिवेंद्र ने किया है, इसमें मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है और इसमें उनकी क्या गलती है। आपको जो कहना है आप हम लोगों से कहिए, आप परिवार के ऊपर क्यों आ रहे हैं और उन बहनों पर, माता पिता पर नाजायज मुकदमे लगाकर उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है और हम लोग भगे भगे घूम रहे हैं, ठीक है। हमारे पीछे लोगों को छोड़ रखा है, वो जहां भी हम जाते हैं वहां पहुंचते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा बस आप लोगों से यही अनुरोध है, हमीरपुर कप्तान से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर जीवन में कभी भी हम दोनों को या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पिताजी यानी कि श्री आनंद प्रकाश त्रिपाठी होंगे। ये हम दोनों ने मिलकर अपनी राजी खुशी से किया है, किसी अगर उनका मानना है या किसी का भी मानना है कि मेरे ऊपर किसी ने, शिवेंद्र ने, इन्होंने मेरे ऊपर अगर कोई मानसिक दबाव बनाया है या मुझे बहला फुसला कर ले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बालिग हूँ, मैं मेजर हूँ, हम दोनों मेजर हैं, हम दोनों ने अपनी इच्छा से ये शादी की है और इसमें हमारे परिवार का ना माता पिता का, ना मेरी बहनों का, इनफैक्ट मेरी नंदों का, ना मेरे सास ससुर का, किसी का कोई भी रोल नहीं कि अगर कहा जाए कि उन्होंने मुझे बहलाया है, फुसलाया है या फिर उनके ऊपर इस प्रकार के मुझे बहलाने फुसलाने के मुकदमे लगाए, ये सब गलत है। और ना मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है और मैं अपनी इच्छा से अपने घर से आई हूँ। और मैं सच वास्तविकता बताऊं तो वास्तविकता ये है कि मेरे घर वालों को इस विषय में पता था, मैंने उनसे कहा कि मुझे इनसे शादी करनी है, उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किया, मुझे मारपीट करने लगे, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि कहीं वो मुझे मार ना डाले। और मैंने इनसे कहा था कि मुझे ले जाओ, इन्होंने मुझसे नहीं कहा था, मैंने कहा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पिताजी मुझे मार ना डाले, इसलिए मैंने शिवेंद्र से यानी कि अपने पति से कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, इस वजह से मैं घर से आई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई प्रकार का दबाव बनाया नहीं है, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हम मेजर हैं, हम अपनी इच्छा से आए, हमने अपनी इच्छा से शादी की। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये ठाकुर हैं, और इस विषय को इन्होंने जातिवाद और राजनीति का मुद्दा बना दिया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रेम करके अगर घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए, मैंने तो अपने घर वालों से प्रस्ताव रखा था कि आप मेरी शादी करा दीजिए, मैं नहीं कर सकती हूँ किसी और से शादी, तो आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। जब घर वाले प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे घर से चले जाएंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी ने बहलाया है, फुसलाया है। भाई मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने अपने घर पे कहा था अपने माता पिता से कि मुझे इनसे शादी करनी, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं होगा और मेरे साथ मेरा फोन ले लिया और मेरे साथ मुझे मारपीट की, मुझे इमोशनली टॉर्चर किया।
तो मैंने इनसे कहा, मुझे जिस प्रकार से इन किन प्रकार इन मुझे एक फोन की उपलब्धि हुई और मैंने इनसे कहा कि मुझे ले जाइए। वो तो खुद अपने आप को इतने रिस्क में रख के, अपनी फैमिली को रिस्क में रख के मुझे लेकर आए, मेरे लिए, मेरी जान बचाने के लिए, और मेरे कहने पर लेकर आए। इसमें इनका और इनके हमारे परिवार का कोई दोष नहीं है। पापा, मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज अब आप जो भी कर रहे हैं आप इन सब चीजों को बंद कर दीजिए, और मेरे पापा की मदद करने वाले मेरे जीजा जी श्री सत्यम पांडे और मेरे दूर के भ्राता श्री श्री राहुल द्विवेदी जी, मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो आप मेरे पीछे गुंडली घूम रहे हैं, हर जगह मुझे तलाश रहे हैं, मुझे खोज रहे हैं, हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप अपने काम से काम रखिए और मेरे पिताजी की मदद करना बंद कर दीजिए। और जो लोग, इनफेक्ट खासकर मेरे जीजा जी, जिस जो भी मेरी नंदों को रात में फोन करके उनको उनसे बलतपूर्ण बात करते हैं, आपत्तिजनक बात करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये बंद कर दिए, ये उचित नहीं है। इस प्रकार की अगर आपको बात करनी है, आपको जो भी आपत्तिजनक बात करनी है, आप सीधे बात करिए ना, अरे आप आदमी से बात करिए, लड़कियों से क्या बात कर रहे हैं आप। और जो बात करनी है हम आएंगे, हम आज नहीं हम कल आएंगे, आप हमसे सामने सामने बात करिए। लेकिन इस तरीके से यहाँ वहाँ ये सारे रिश्तेदारों को परेशान करना, सारे रिश्तेदारों को, बहनों को, माता पिता को परेशान करना बंद कर दीजिए। आप चैन से जिए और हमें जीने दीजिए। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो मुझे खुश रखेंगे, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझे खुश रखेंगे। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। ये बात तो खैर आप जानते ही हैं कि आप मुझे कुछ होगा अगर मैं वहां आपके पास आ गई तो आप मुझे जिंदा तो रहने नहीं देंगे, इनफैक्ट आप मुझे मार डालेंगे। लेकिन अगर मैं मर गई उसके बाद जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनके लिए हानिकारक होगा, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन उनके लिए ये चीज हानिकारक होगा, मैं पहले से बता देती हूँ। और बात अब सिर्फ शादी की नहीं आ गई, आप लोगों ने अपने ईगो पे ले लिया, आप लोगों ने ईगो पे जातिवाद पे ले लिया, ये बहुत गलत बात है। प्लीज मेरा माननीय पुलिस अधीक्षक जी से, माननीय कप्तान जी से मेरा अनुरोध है कि हमें प्रोटेक्शन दें और हमें सुरक्षित महसूस होने दें। कब तक हम भागे भागे घूमेंगे, परेशान हो गए हैं भागते 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 भागते, अब नहीं भाग सकते। हम आना चाहते हैं, सबके सामने आना चाहते हैं, हम सबको फेस करना चाहते हैं, बिल्कुल फेस करना चाहते हैं, हम भाग नहीं रहे। लेकिन बस ये चाहती हूँ कि हमें प्रोटेक्शन मिले, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए। हम प्रोटेक्ट फील करेंगे, हम बिल्कुल आएंगे, हम भाग के नहीं घूम रहे हैं, हम बिल्कुल सबका सामना करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबके सामने आएंगे, लेकिन बस हमें प्रोटेक्शन चाहिए।